मोदी जी का था कि वो 15,000 रुपए कुछ महीने गरीबों के अकाउंट में आने थे, हाँ वो उसका क्या हुआ, आपके किसी के अकाउंट में आया? अरे बाप रे, तो भैया हम लोग आ चुके हैं मोदी चौराहा। यहाँ पे मोदी चौराहा ये वही है जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार आपको वीडियो दिखाया है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, संगीन रंगीन माहौल रहता है, हमने जैसा कि आपको दिखाया है। भाई लोग, आप लोग जा रहे हैं क्या कहीं? थोड़ा सा यार बातचीत करनी थी आपसे, थोड़ा इधर आ जाइए। तो ये हमें लोग मिले हैं कुछ मोदी चौराहे पे, और ये लोग कैसा, आपको कैसा लग रहा है कि अभी जो नया बजट आया है गरीबों के लिए और अमीरों के लिए कैसा मतलब होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि गरीबों को मदद मिलना चाहिए। मिल रहा है कुछ मदद आपके हिसाब से? हमें राशन मिल रहा है, खाली राशन आपको मिल रहा है? पूरा नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, पूरा नहीं मिल रहा, 10 किलो में 8 किलो, 10 किलो में 8 किलो। और आप क्या सरकार को क्या राय देना चाहेंगे? हम सरकार को क्या चाह रहे, सरकार अगर सरकार मतलब कह रही है कि हम 5 लाख रुपया लोन देंगे गरीबों के लिए, हम ये कन्नी वसूली हाथ में पकड़े हैं जी और चुनावी काम करते हैं, हमें 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 2 लाख रुपया लोन दे सरकार। सरकार से आप पैसा चाहते हैं? हमें सरकार लोन दे, सरकार से पैसा भी चाहते हैं। जितने जानवर खुला घूम रहे हैं, वो खेत खा रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनको गौशाला बनवाया जाए। और आप ये जैसे शराब के ठेके खुले हुए हैं, हाँ। अंग्रेजी शराब खुली हुई है, हाँ। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम तो कहते हैं बंद हो जाए, बिल्कुल बंद ही हो जाए। कैसे जियेंगे, जो आदमी पी रहा है वो पिएगा कैसे फिर, ये तो बताइए। लेकिन सब तरफ पी रहे हैं, ज्यादातर आदमी पीने वाला है आजकल, हाँ, उसके लिए आप क्या मतलब, इस पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, सस्ती कर देनी चाहिए या महंगी कर देनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अब देखो साहब, तनख्वाह मतलब गरीबों की नहीं बढ़ रही, लेबर टाइप जो आदमी है उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हाँ। और सरकारी नौकरी वाले की तनख्वाह बढ़ रही है, हाँ। और गरीबों के लिए कुछ नहीं मिल रहा मदद। अच्छा, हम लोग लेबर मित्री आदमी है, अपनो घर परिवार छोड़े यहाँ पे कानपुर में, आप कन्नौज के रहने वाले हैं। नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो शराब है ये ठीक चीज है, ये गलत चीज है? वो करनी वसूली अपने हाथ में पकड़े, हाँ। नहीं गलत चीज है लेकिन फिर भी लोग करना चाहते हैं। अब करना चाहते हैं तो अब सबको ना हम समझाते करना, आप समझाते कर, लेकिन आपकी हमें अच्छा लगो, लेकिन हमें जो लोन देना चाह रही सरकार, लोन दे। ये अभी जो हमने बीच में सुना था कि जैसे कि मोदी जी का था कि वो 15,000 रुपए कुछ महीने गरीबों के अकाउंट में आने थे, हाँ। वो उसका क्या हुआ, आपके किसी के अकाउंट में आया? अरे बाप रे, तो लूट मार रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? हमें 15,000 देना चाह रहे हो तो दें सरकार भाई, अब मिल तो रहा नहीं कुछ। अरे कुछ नहीं मिल रहा, वो भी नहीं आ रहा, पैसा नहीं आया, वो भी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया जब से बना, आज करीब 1 साल होने जा रही है। हम सरकार कहते हैं हमें लोन दे दो, हम अपनी बिजनेस खोल दे, हम क्यों मजदूरी करें, सरकार लोन भी नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, मतलब जो अमीर आदमी है वो अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब ऐसी तैसी हुई चली जा रही है। अपनों घर छोड़ी बाबूजी, कन्नौज रहने वाले, कानपुर में। चलिए ठीक है, हम इसीलिए रोड पे आज निकले हैं जानने के लिए और सरकार के को ये सब बात पहुँचाने के लिए कि एटलीस्ट जो वादे किए हैं आपने वो करिए, तो पूरा करिए। और बाबू जी बताएं, और ये फेसबुक पे जो लोग ये लोन करवा रहे हैं ना, ये बैलेंस रुपया मंगवा रहे हैं, ये सब डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, ये फ्रॉड है। धनी फाइनेंसर, हाँ। धोनी फाइनेंसर, आपने भी किया है क्या? हमने 1200 रुपए एक आदमी को डाले, महेंद्र सिंह परिहार, हाँ। उसने मेरे 1250 रुपए खा लिए और लोन नहीं दिया मुझे। अच्छा। तो, फाइनेंसर को? तो आप जैसा कि सुन सकते हैं भैया कि हमारे पैसा 1250 रुपया खाया गया है, एक भी रुपया इनको वापस नहीं मिला है, एक रुपया वापस नहीं मिला। धोनी फाइनेंसर जो धोनी मतलब अपनी बैंक को अकाउंट बैलेंस दे रहे हैं ना, हाँ। उन्होंने मेरे 1250 रुपए खा लिए और उनका नाम है महेंद्र सिंह परिहार है वो, उनको ढूंढना है और भैया का पैसा वापस दिलाना है। चलिए ठीक है, लोन अब जो पैसा ही खा गया वो लोन तो आपको दिलाएगा नहीं, तो हाँ भाई पैसा जो हो वापस किया जाए आपका। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बात सुनी जाएगी। और भाई जी आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार के विषय में कुछ आपकी राय? सरकार के बारे में ये कहना चाहते हैं सर कि सरकार चावल बांट रही है, गेहूं क्यों नहीं बांट रही है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। इसके क्या बांट रही है? चावल बांट रही है, गेहूं नहीं आ रहा, हम लोग गेहूं के लिए बहुत परेशान है, बिटिया शादी है, मेरी सिस्टर शादी है, मैं चाहता हूँ सरकार मेरी बहन की मदद करे, शादी है। सरकार तो शादी में कैसे मदद करे? नहीं, उनके विधायक मंत्री पहुंचे, कहा है जिनके लिए कह रखा है उनको देना चाहिए, देना चाहिए। मैं सरकार सर, मेरा नाम धर्मराज है, मैं यहाँ गीतानगर निवासी हूँ, यहीं का हूँ। अच्छा अच्छा, और मैं आप ये जो यहाँ ठेका खुला हुआ है, जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये ठेका बंद होना चाहिए सर।
रेस नहीं चलना चाहिए सर, ये बंद होना चाहिए। इस हमारे ऑनलाइन यहाँ पर ठेका चलता है, सुबह शाम तक यहाँ दारू बिकती है, सुबह 7 बजे से दारू बिकना चालू होती है, 5 बजे से। हम बता रहे कोई जयंती होती है बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती होती है, ये ठेका बंद होती है, तो वो बढ़ती है और गुमटी वाले बेचते हैं और पुलिस शिकायत का, पुलिस वाले हमको माल वो करो, पुलिस वाले खुद कमीशन खाते हैं, पैसे ले जाते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।